नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों, छात्रों, समाजशास्त्र की कक्षा में आज आपके साथ में चर्चा करूंगा। अभी पिछली क्लास में हमने संघर्षवादी सिद्धांत की चर्चा की थी। संघर्ष के सिद्धांतों में हम सभी जानते हैं संघर्षवादी संप्रदाय जो है कि शुरुआत संघर्ष के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से कार्ल मार्क्स ने की थी। डेरेंडॉर्फ में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की, उसमें उन्होंने कुछ और चीज थी। उसके बाद एक और आता है नाम जर्मन के समाजशास्त्री लेविस कोचर का। इन्होंने भी डेरेंडॉर्फ के बाद के साथ साथ इनका भी नाम संघर्ष के उसमें काफी उल्लेखनीय है। लेविस कोचर जो है जर्मनी के थे। जर्मनी में बर्लिन शहर में एक यहूदी बैंकर समृद्ध परिवार में 27 नवंबर 1913 को आपका जन्म हुआ था। ये जब पढ़ते थे जर्मनी में तो छात्र जीवन में वामपंथी समाजवादी छात्र आंदोलन में सक्रिय थे, इसलिए नाजियों का जोर बढ़ा और कोचर पे उनकी नजर पड़ी तो स्थिति ये हुई, एक तो यहूदी दूसरे वामपंथी, तो इनको जर्मनी छोड़ना पड़ा और ये उदारवादी फ्रांस में आ गए। फ्रांस में भी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो फ्रांसीसी अधिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि जर्मन नागरिक थे। जर्मनी से भागना पड़ा था, यहूदी थे क्योंकि यहूदी के कारण जर्मनी में रह नहीं सकते थे। फ्रांस में पकड़े गए क्योंकि आप जर्मन नागरिक थे। किसी तरह एक समाजवादी मेयर की मदद से आपने राजनीतिक शरणार्थी का वीजा जुटाया, स्पेन पुर्तगाल होते हुए एक शरणार्थी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए। शरणार्थी शिविर में ही बहुत से कर्मचारी थे, उसमें रोज लॉब थी जिनसे इनका विवाह हुआ और बाद में रोज लॉब भी समाजशास्त्री हो गई। इस तरह हम देखते हैं कि कोचर जो है अमेरिका के में आने के बाद अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से आपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और वहीं अमेरिकी विश्वविद्यालयों में शिकागो, ब्रांडिस, न्यूयॉर्क में समाजशास्त्र का लंबे समय तक अध्ययन किया। 1975 में लेविस कोचर को अमेरिकी समाजशास्त्र का परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने समाजशास्त्र के बहुत से सिद्धांत लिखे हैं, काफी सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, लेकिन इनका जो आज हम यहाँ बात करेंगे वो संघर्षवादी सिद्धांत की बात करेंगे। लुईस कोचर जो थे ये इन्होंने जार्ज सिमिल की संघर्ष की व्याख्या को अपना लिया और उसी के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इनके सिद्धांत में इन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में जो प्रकारवादी और संघर्षवादी सिद्धांत है उससे थोड़ा सा हटके इन्होंने चर्चा की है। इनकी 1956 में एक किताब आई थी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कोचर ने इसमें अपने प्रकारवादी संघर्षवादी सिद्धांत की व्याख्या की। इसमें इन्होंने सामाजिक संघर्ष के प्रकारात्मक फंक्शनल पक्षों को आस्पेक्ट, फंक्शनल आस्पेक्ट जो है प्रकारात्मक पक्ष हैं, इसकी बात कोचर करते हैं संघर्ष के लिए। कार्ल मार्क्स ने कहा था सामाजिक संघर्ष को पूंजीवाद पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में मार्क्स कहता था कि पूंजीपति और उद्योगपति जो है श्रमिकों का सतत शोषण करते हैं, इस आधार पर उसने संघर्ष की व्याख्या की है। और इसलिए वो कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि ये जो शोषण है ये तीव्र सामाजिक परिवर्तन का एक अपरिहार्य स्रोत है, इसीलिए संघर्ष जो है वहां पे उसने सामाजिक परिवर्तन की अपरिहार्यता मानी है। उनसे अलग विचार रखते हुए राल डेरेंडॉर्फ कहते हैं सामाजिक व्यवस्था में शक्ति और सत्ता, पावर एंड अथॉरिटी के असमान वितरण के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उससे सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है और इन दोनों परस्पर विरोधी समूह के रूप में उसने उच्चस्थ और अधीनस्थ समूह के बीच समाज में शक्ति और सत्ता की अधिकाधिक प्राप्ति, संघर्षात्मक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होने के लिए जिम्मेदार बताई है। और उसने कहा डेरेंडॉर्फ ने कि सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष एक उत्प्रेरक शक्ति है। अब इन दोनों से अलग हटके कोचर कहते हैं सामाजिक व्यवस्था विशेष के संदर्भ में सामाजिक संघर्ष के प्रत्यक्ष और प्रचन्न योगदानों की व्यवस्था के प्रति प्रकारात्मक उन्हें विश्लेषित किया है। ये कहते हैं सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत में संघर्ष का प्रकारवाद कहना चाहिए, तो इनका फंक्शनलिज्म टोटल कॉन्फ्लिक्ट एक सिद्धांत है। ये कहते हैं, कोचर कहते हैं समाज में संघर्ष की परिस्थितियां और दशाएं अनिवार्य रूप से विघटनकारी और नकारात्मक ही हों यह आवश्यक नहीं है। जैसा पूर्व के सिद्धांतकार कहते हैं ना, बोले ऐसा जरूरी नहीं है।
सुदृढ़ता, क्योंकि वो कहते हैं प्रत्येक सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया जो है सामाजिक संगठन, अनुकूलन, सामंजस्य, सुदृढ़ता, एकीकरण और परिवर्तन के संदर्भ में एक सकारात्मक योगदान देती है। ओजर कहते हैं प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की अपनी कतिपय आवश्यकताएं होती हैं और सामाजिक व्यवस्था इसकी निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि इन आवश्यकताओं की निर्बाध पूर्ति होती रहे और जब वो हर संस्थान की सुनिश्चित करती है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता को बनाए कैसे रखा जाए, इसमें प्रकारात्मक भूमिकाएं जरूरी हैं। इसलिए हर संस्था, तो वो कहता है संघर्ष को सर्वोच्च प्राथमिकता, सामाजिक विश्लेषण में ओजर ने भी कहा कि संघर्ष को प्राथमिकता देना चाहिए। उन्होंने दो मौलिक आधार दिए इसके। बोलते हैं सामाजिक संघर्ष परस्पर हित समूह के कारण उत्पन्न नहीं होता। ओजर कहते हैं सामाजिक संघर्ष परस्पर हित समूह के कारण उत्पन्न नहीं होता, लेकिन इसके कई उत्तरदायी कारक और हैं। वो कहता है सामाजिक व्यवस्था की संगठनात्मक सुदृढ़ता के क्रम में सामाजिक संघर्ष एक प्रकारात्मक पक्ष भी होता है। उसने कहा फंक्शनल एस्पेक्ट भी होता है संघर्ष का, जो व्यवस्था के व्याधिकी भाग के संदर्भ में एक चिकित्सक की भूमिका, एक डॉक्टर की भूमिका निभाता है, उसे ठीक कर व्यवस्था के संचालन में प्रकारात्मक योगदान करता है। ये कोदर का कहना था। वो कहते हैं मूल और हितों के संदर्भ में होने वाला संघर्ष जो है कुछ समूह के अनुसार क्या होना चाहिए, वांछित हितों की और नवीन व्यवस्था के बीच संघर्ष अपने हिस्से की शक्ति, संपत्ति और परिस्थिति की मांग करने वाले समूह की जीवंतता का निर्माण करता है। वो कहते हैं जैसे मध्ययुग में जड़ हो गया था समाज, स्थिर हो गया था और उसके बाद रचना धर्मिता के रूप में एक विस्फोट हुआ जो पुनर्जागरण की सभ्यता को जन्म देता है। इसमें आप देख सकते हैं। वो कहते हैं संघर्ष की उत्पत्ति होती कहती है संगठन में। ओजर ने समाज की तुलना एक ऑर्गेनिज्म से की है, सावयव से की है। असहमति और सामाजिक संघर्ष को सावयव के शरीर के किसी अंग विशेष में होने वाली बीमारी या पीड़ा के रूप में देखते हैं। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में ओजर ने कहा कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था किसी सावयव के विभिन्न अंगों की भांति परस्पर अंतर संबंधित भागों की एक व्यवस्था सदृश होती है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, प्रणालियां, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, क्रियाएं अंतर संबंधित अंतर क्रियात्मकता रूप बनाए रहती हैं। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था के कतिपय भाग विभिन्न कारकों कारणों के प्रभाव में असहमति, परिवर्तन, तनाव, विघटन और संघर्ष इत्यादि के प्रभाव में रहते हैं। तीसरी बात वो कहता है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, तनाव, विघटन और संघर्ष इत्यादि के प्रभावों को कम करके उसमें पुनः अनुकूलन, एकीकरण, सुदृढ़ता को स्थापित करने वाली प्रक्रियाएं भी अस्तित्व में बनी रहती हैं। चौथी बात, सामाजिक व्यवस्था में असहमति, परिवर्तन, तनाव, विघटन, संघर्ष ये प्रारंभिक रूप में विघटनकारी तत्वों के साथ ऐसी प्रक्रियाओं को सामाजिक व्यवस्था के संगठन के संदर्भ में प्रकारात्मक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप में ये व्यवस्था में अनुकूलन, एकीकरण और सुदृढ़ता भी लगती है। इसलिए उसने कहा, कोदर ने सामाजिक संघर्ष सामाजिक व्यवस्था में एक अनिवार्य और उपयोगी भाग के रूप में माना है और उसने कहा कि मानवीय संवेग और सामूहिक भावनाएं जो हैं, कोजर कहता है संघर्ष के प्रमुख स्रोत हैं। जॉर्ज जिम्बेल के बाती लेविस कोजर का भी मानना है लोगों के व्यक्तित्व में आक्रामकता और शत्रुता के भाव अंतर्निहित होते हैं और उनके संबंधों में प्यार और घृणा दोनों ही विद्वान रहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह के बीच में जब प्रेमपूर्ण संबंधों की निकटता और घनिष्ठता स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या, जलन, असहमति और शत्रुता जैसे भावों में को जन्म देने लगती, जिससे संघर्ष की स्थिति बनती है, संघर्ष उत्पन्न होता है। लुईस कोजर ने संघर्ष की धारणा के लिए उसका मानना था कि समाज में संघर्ष का मूल कारण जो है व्यक्ति की विद्वेषपूर्ण और आक्रामक भावनाएं होती हैं जो संघर्ष को जन्म देती हैं, जिनके कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। आम जनों की भावना और मनुष्य की भावना में संघर्ष के उत्पन्न होना एक महत्वपूर्ण है और उसमें 1908 में शमिल ने किताब लिखी थी समाजशास्त्र संबंधों के स्वरूप में, उसने इसको काफी कुछ स्पष्ट किया है। कोजर कहते हैं, लुईस कोजर का मानना है कि संघर्ष विरोध है, ये दो पक्षी होता है, एक नियमित विरोध जिसमें एक दूसरे को हानि पहुंचाने का उद्देश्य होता है, एक इसमें संघर्ष के संबंध जो हैं
कोजर कहता है मार्क्स के विचारों को नहीं मानता वो। मार्क्स का कहना था संघर्ष समाज की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, संघर्ष समाज की जीवन शक्ति है, संघर्ष न केवल नियमित है बल्कि संघर्ष पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, संघर्ष परिवर्तन का मुख्य स्रोत है। कोजर ने इसका विरोध किया है। कोजर ने सिमिल के समान माना, कोजर ने इसका विरोध करता है, वो भी सिमिल के समान मानता है कि मानव में विद्वेष और आक्रामकता की भावना होती है और यही संघर्ष का एक कारण है। देखिए सिमिल और कोजर के विचार काफी कुछ मिलते हैं। निकट के संबंधों में प्रेम, कोजर और सिमिल के आधार पर कोजर ने जो व्याख्या की वो कहता है निकट के संबंधों में घृणा और प्रेम दोनों मौजूद रहते हैं। निकट के संबंधों में जब विरोध होता है तो वो आप देखेंगे संघर्ष जन्म होता है। सभी समाजों में माता पिता और उनके बच्चों में विरोध की प्रक्रिया चलती रहती है। इस ऐसी विरोधी भाव संरचना से उत्पन्न होते हैं। यह विरोध किसी भी रूप में अस्थिरता और विघटन के लक्षण नहीं है, क्योंकि परिवार में हो रहा है तो होता रहता है। समाज एक वस्तुनिष्ठ सत्य है, समाज के अनेक अंग होते हैं, ये अंग अंतर संबंधित होते हैं। इन अंगों में अंतर संबंध तो है, साथ साथ इनमें तनाव भी होता है जो असंतुलन उत्पन्न करता है। तनाव और असंतुलन के कारण समाज में संघर्ष का जन्म होता है। जब समाज में असमानता होती है, समूह समूहों की वस्तु और सुविधाएं, मतलब सभी समूहों में इनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, मतलब असमानता और अभाव असंतुष्ट होते हैं और संरचना की स्थिति पर असंतोष प्रकट करना वास्तव में संघर्ष उत्पन्न करना है। वो कहता है अमेरिकी में पूरी पूंजीवादी समाज, अमेरिका में भी ऐसा ही है, सुविधा और शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा वितरित होता है, इसमें अभावग्रस्त लोग वितरण की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कोजर ने कहा कि अमेरिका की गतिशीलता की अपार संभावना है अमेरिका में, इसलिए वहां वर्ग संघर्ष नहीं है। समूह और समाज के व्यापक हिस्सों में जब अहम का बोध नकारात्मक हो जाता है तो समाज में अंतर्विरोध उत्पन्न होने लगता है। संघर्ष का कारण वो सत्ता का असमान वितरण मानता है, यह डैरेन डॉफ से उसका विचार मिलता है, परंतु डैरेन डॉफ ने सत्ता से अधिक हितों की टकराहट को संघर्ष का कारण माना था। यहां कोजर ने कहा संघर्ष का एक कारण चेतना और जागरूकता का विकास होना है। बोलो कई बार तो अभाव वस्तुनिष्ठ रूप से होता है परंतु उसकी चेतना नहीं होती, शिक्षा से चेतना उत्पन्न होती है, इसलिए उसने कहा शिक्षा भी संघर्ष का एक कारण हो सकती है। एक और समाजशास्त्री है जोसेफ हाइमस, वो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रजातियों के बीच संघर्ष का उन्होंने विश्लेषण कर कहा 1966 में द फंक्शन ऑफ रेशियल कॉन्फ्लिक्ट किताब में कि यहाँ शिक्षित निग्रो अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हैं, इसलिए शिक्षित निग्रो और गोरों में अधिक संघर्ष होता है। और आज भी देखिए अभी कोरोना काल में भी अमेरिका में हुआ था ना एक संघर्ष जो है। कोजर ने संघर्ष के कारणों की चर्चा में कहा कि समाजीकरण का अभाव अथवा एक विशेष प्रकार का समाजीकरण भी संघर्ष को उत्पन्न करता है। अब इसने प्रकार बताए हैं, लुईस कोजर ने संघर्ष के प्रकारात्मक परिणामों पर प्रकार की चर्चा भी की है। वो कहता है कि बाह्य रूप से संघर्ष होता है जब दो या दो से अधिक समूह में बाह्य संघर्ष होता है। कोजर कहते हैं दो समाजों के संघर्ष की चर्चा उन्होंने इस क्रम दी है कि दो समूह और समाजों में संघर्ष होते हैं तो महत्वपूर्ण प्रकार होता है, दोनों की पहचान बढ़ जाती है, ये बाह्य संघर्ष है। फिर आंतरिक संघर्ष, वो कहते हैं एक ही समूह के अंदर होता है। आंतरिक संघर्ष के रूप में उसने कहा समाज के व्यापक हिस्सों में अथवा एक ही समाज के दो समूह के बीच संघर्ष की चर्चा की है। ये अधिकतर एक ही समूह के अंदर के संघर्ष को इसमें शामिल करते हैं, जैसे मिल मालिक और मजदूरों के संघर्ष, ये जो है ये आपस में आंतरिक संघर्ष हो रहा है। अब भावनात्मक संघर्ष, भावनात्मक संघर्ष वह जिसमें वैचारिक प्रश्न होते हैं। कोजर कहता है कि जब संघर्ष को प्रभावित करने वालों की चर्चा में उसने कहा कि भावनात्मक संघर्ष में विचारधारा के आधार पर मूल्यों को परिभाषित किया जाता है, जैसे कोई संघर्ष विचारधारा से जुड़ने से भावनात्मक नहीं होता। कार्ल मेनेम की चर्चा में कि कार्ल मेनेम कहते हैं कि प्रत्येक मजदूर संघर्ष में समाजवाद की विचारधारा नहीं होती, कोई भी संघर्ष है मजदूरों के उसमें समाजवाद की विचारधारा नहीं होती, अधिकतर मजदूरों का संघर्ष आर्थिक मुद्दों तक ही सीमित रहता है। भावनात्मक संघर्ष की परिधि कैनवास बड़ा होता है। जोसेफ हाइमस कहते हैं यहां उन्होंने कोजर से अधिक इस बात को प्रजातियों के संघर्ष में उठाया, कोजर के साथ साथ उन्होंने इस बात को उठाया, बोलते प्रजातियों का संघर्ष एक दूसरे स्तर का है। इसमें गोरे मंगोल और अन्य एशियाई जो हैं उनका नीग्रो के साथ संघर्ष है। नीग्रो एक समय में इनके गुलाम हुआ करते थे, वे अब बराबरी का दर्जा मांग रहे हैं, तो ये टर्न ऑफ हिस्ट्री है।
इसमें हमारे विचारों में चक्र होता है और वो कहता है कि धीरे धीरे निग्रो अवश्य अधिकार पाएंगे परंतु ये कष्टप्रद होगा। कोजर ने कहा कि भावनात्मक संघर्ष लंबे समय तक चलता है, इसका कैनवास बड़ा होता है। कोजर ने निग्रो गोरों के संघर्ष का उल्लेख किया और कहा यह भावनात्मक है, देखिए आज भी चल रहा है। एक गृह युद्ध के बाद भी समय अमेरिका में अभी भी मार्च में अप्रैल में खूब हुआ है अमेरिका में, यह संघर्ष चल रहा है और इसके तीव्र होगा। वास्तविक संघर्ष एक और होता है, वास्तविक संघर्ष वह है जिसमें अलग अलग वस्तु समूह और सेवाओं की मांग होती है। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे संघर्ष वस्तुओं और सुविधाओं के पुनर्वितरण से जुड़े होते हैं। वास्तविक संघर्ष बहुत अधिक और नियमित रूप से होते हैं, लंबे नहीं चलते। वास्तविक संघर्ष को कोजर कहता है ये औद्योगिक समाजों बल्कि उद्योगपूर्व के समाजों में एक नियमित घटना है। इसके आधार पर उन्होंने कहा प्रकारवाद की स्थापनाओं को इस बात में जोड़ा कि संरचना ही संघर्ष को जन्म देती है और ये समूह निर्माण करते हैं, समूह के विभेदीकरण में सहायक नहीं होते बल्कि समाज को बनाए रखते हैं, अर्थात ये समाज रूपी मशीन के लिए एक लुब्रिकेंट का काम करते हैं, चिकनाई का काम करते हैं। कोजर कहता है संघर्ष नियमित स्वाभाविक और सहज है और सामाजिक जीवन में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, समाज इसकी अपेक्षा भी करता है। इसको प्रभावित करने वाले कारकों पर उसने कहा कि संघर्ष की स्थितियां और स्वरूप अनेक कारणों से होता है, जैसे असमान वितरण, जितना अधिक होगा उतना संतोष होगा और संघर्ष की संभावना छोड़ेगी। सिमिल की धारणा के आधार पर इनका घनिष्ठ रूप से जुड़े लोगों में भी संघर्ष होता है, यह संघर्ष तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक तीव्र होता है। यहां तक कि अपरिचित लोगों में संघर्ष की संभावनाएं नहीं रहती, लेकिन यदि संघर्ष आरंभ होते हैं तो तत्काल जो समाप्त हो जाते हैं। इसको स्वीकार करा उनने कि अमेरिका में ऐसे संघर्ष हैं तो घनिष्ठ रूप से जुड़े लोगों के बीच में संघर्ष है। प्रकार उसने कहा फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट का मूल मुद्दा जो है वो है संघर्ष एक नियमित स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया। संघर्ष संरचना से जो स्ट्रक्चर होता है उसी तो उभरता है और सकारात्मक और प्रकारात्मक परिणाम देता है। अमेरिकी विद्वानों ने भी सिद्ध किया कि कोजर मूलतः संघर्षवादी हैं, उन्होंने केवल विश्लेषण के लिए प्रकार की चर्चा की। यहां ये भी बात उठी है, वो कहता है कोजर कि संघर्ष समाज में फंक्शन को उत्पन्न करता है, प्रकार को उत्पन्न करता है, एकीकरण उत्पन्न करता है। यहां उसने सिमिल से की विचारधारा ली है क्योंकि सिमिल भी कहते थे संघर्ष न केवल अनिवार्य है बल्कि संघर्ष के सकारात्मक परिणाम होते हैं। सिमिल ने संघर्ष को मानव स्वभाव से जोड़ा और कोजर ने कहा जो लोग संघर्ष में शामिल होते हैं उनमें संघर्ष के कारण उद्देश्यों की एक रूपता बढ़ जाती है। संघर्ष के कारण कोजर ये भी कहता है कि व्यक्ति या समूह अपने निर्णयों को केंद्रीकृत सेंट्रलाइज कर लेते हैं। उसने कहा कि द्वंद्व से अक्सर परिवर्तन होता है जो समाज के लिए लाभकारी होता है। संघर्ष में नवाचारों की संभावना बढ़ जाती है और समाज को समृद्ध करता है। अभी हम कोरोना काल में देख रहे हैं एक अदृश्य वायरस COVID-19 के कारण जो समाज में संघर्ष हुआ उससे नवाचार होने लगे, नए नए प्रयोग होने लगे, न्यू नॉर्मल का कंसेप्ट आया है। बाह्य संघर्ष कहता है, कोजर का कहता है कि बाह्य द्वंद्व समूह को मजबूत बनाता है, लेकिन इस प्रकार को वो स्वीकार भी करता है कि एक ही प्रकार से द्वंद्व में समाज में एकात्मक प्रभाव होते हैं लेकिन दूसरे समाज में विघटनकारी प्रभाव होते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, इससे फ्रांस में बिखराव हुआ परंतु इंग्लैंड में एकता हुई। कोजर ने कहा वियतनाम युद्ध में अमेरिकी आक्रमण और संघर्ष का अमेरिका पर प्रभाव होता है जो नकारात्मक था क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा प्रारंभ हुआ नहीं। तो इस अलग अलग प्रकार से द्वंद्व के सकारात्मक परिणाम की भी बात की है। कहता है संघर्ष, कोजर कहता है संघर्ष समाज में एक सुरक्षा कवच है और संस्थाओं के माध्यम से क्रियाशील रहता है। संगठन के प्रकारों को हम अनदेखी नहीं कर सकते, ये सामाजिक परिवर्तन को सरल बनाते हैं, एकीकरण के लिए एक नए आधार तैयार करते हैं। संघर्ष के कारण सामाजिक संरचना अपने को पुनर्गठित करती है और संघर्षों के कारणों को समाप्त कर सकती है। कोजर ने कहा संघर्ष के कारण क्या होता है, जो ढीले ढाले ढंग से एकीकृत समूह हैं वो अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं और जो बिखर रहे होते हैं वो या किसी दूसरे समाज से टकरा जाते हैं तो उनमें सुदृढ़ता आ जाती है। बोले समूहों के संबंध भी ऐसे ही हैं, अर्थात सामाजिक व्यवस्था में जितना अधिक लचीलापन होगा संघर्ष के कारण समाज उतना ही समायोजित होगा, ये भी कोजर ने कहा। वो कहता है संघर्ष से समाज की अलग अलग अभिकरण और विकल्पों का निर्माण होता है, संकट निवारण के मार्ग तैयार करता है, ये संकट मोचन के उपायों को तेज करता है। संघर्ष के कारण साधन संपन्न और विशेष सुविधा प्राप्त समूह में भर्ती के अवसर बढ़ जाते हैं, अर्थात ये परिवर्तन को सरल बनाता है, नवाचारों को जन्म देता है, नवाचार प्रकारात्मक होते हैं। यह जरूरी नहीं कि संघर्ष के अभाव में समूह और समाज में स्थायित्व बना रहे,
संभवतः इसलिए कोजन ने कहा, कोई भी समाजशास्त्रीय विश्लेषण यदि संघर्ष की उपेक्षा करता है तो एकांगी विश्लेषण होगा और समाज की वास्तविकता सहयोग और संघर्ष दोनों में नहीं थी इसका विरोध कर रहा है। इसलिए वो कहता है समय जितनी सहमति है जरूरी है उतना ही संघर्ष भी। डेरेंडॉफ ने कोजर की आलोचना की है। वो कहते हैं कोजर ने स्पष्ट रूप से कार्यों की चर्चा नहीं की, सिर्फ प्रकार की बात की है। बोले संघर्ष के कारण एक पूरा समाज या एक समूह पूरी तरह बिखर सकता है। उसने उदाहरण दिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जब भारत में सबसे पहले विद्रोह किया था एक जनजाति मलेर असमाप्ति के कगार पे, जर्मनी में यहूदियों ने संघर्ष किया था, देखिए समाप्त हो गए। कोजर स्वयं यहूदी थे परंतु उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है। वो कहता है इसमें कोजर ने आकार की बात ही नहीं की है कि जिसके कारण ये सिमिल ने हालांकि बात की थी पर डेरेंडॉफ उसको नहीं मानते। वो कहते हैं आकार होते हैं उनसे मर्टन से प्रेरणा लेते हुए कोजर ने कहा, युद्ध से जब विनाश होता है क्रांति से बिखराव होता है तो संघर्ष का आकार है। ये उन्होंने कहा है। प्रसिद्धगत आकारों की चर्चा कोजर और उसकी पत्नी रोजन बॉर भी एक समाजशास्त्री थी निबंधों में खूब की है। बोले कहते लंबे समय तक संघर्ष जो है दबा रहता है लेकिन जब संघर्ष होता है तो विघटनकारी हो जाता है और जो समूह को एकदम अलग रहता है और संघर्ष करता है ऐसे संघर्ष विनाशकारी होते हैं। कोजर ने माना कि संघर्ष और द्वंद एक स्वाभाविक अनिवार्य और नियमित प्रक्रिया है जिसमें नियमित द्वंद जैसे माता पिता बच्चों में द्वंद होता है ऐसे ही द्वंद में प्रकार और आकार का होना जरूरी। तो ये कोजर का संघर्ष का सिद्धांत है जिसे हम सभी को जानना बहुत जरूरी है।